तरीके से कहा जाता है कि राम राज्य चल रहा है और इस राम राज्य में भी ऐसे रेप जैसी घटनाएं आए दिन होती जा रही हैं, तो आखिर क्या कारण है? देखिए पत्रकार जी, आप लोग तो ये करेंगे लेकिन मैं एक विधायक के साथ साथ शिक्षक हूँ। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। सब हम का धर्म है, अभिभावक का भी धर्म है, मेरा भी धर्म है, सरकार का भी धर्म है, लेकिन परिवार का भी धर्म है। तो जहां सरकार का धर्म करना रक्षा करने का धर्म है, वहां परिवार का भी धर्म है कि अपने बच्चों में संस्कार डाले। तो सरकार और संस्कार मिलकर के भारत को सुंदर रूप दे सकता है, नहीं तो दूसरा कोई विधा सामने आने वाला नहीं। तरीके से कहा जाता है कि राम राज्य चल रहा है और इस राम राज्य में भी ऐसे रेप जैसी घटनाएं आए दिन होती जा रही हैं, तो आखिर क्या कारण है? देखिए पत्रकार जी, आप लोग तो ये करेंगे लेकिन मैं एक विधायक के साथ साथ शिक्षक हूँ। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। सब हम का धर्म है, अभिभावक का भी धर्म है, मेरा भी धर्म है, सरकार का भी धर्म है, लेकिन परिवार का भी धर्म है। तो जहां सरकार का धर्म करना रक्षा करने का धर्म है, वहां परिवार का भी धर्म है कि अपने बच्चों में संस्कार डाले। तो सरकार और संस्कार मिलकर के भारत को सुंदर रूप दे सकता है, नहीं तो दूसरा कोई विधा सामने आने वाला नहीं।